ये कहानी है एक ऐसे बाप और उसके बेटे की जिसको सब ने विलन बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर रोड की। सब लोग समझते हैं कि मिस्टर रोड ही असली विलन है, लेकिन ऐसा नहीं है। असली विलन तो वो बच्चे हैं जिनकी वजह से मिस्टर रोड विलन बन गया। मिस्टर रोड और उसके बाप ने बहुत ज्यादा मेहनत करके एक आइसक्रीम की कंपनी बनाई जिसका नाम फ्रोस्टी एंड व्हील्स रख दिया। ये कंपनी रातों रात इतनी फेमस हो गई कि इसके आइसक्रीम एक सिटी में नहीं बल्कि दूसरे सिटी में भी फेमस होने लगे। इस कंपनी की फेमस होने की वजह इसके तीन ऐसे रेसिपी थी जिनकी वजह से आइसक्रीम का टेस्ट इतने मजे का हो जाता था कि बच्चे क्या बड़े भी बार बार खाने के लिए मजबूर हो जाते थे। दूसरी आइसक्रीम की कंपनी आस्ता आस्ता बंद होने लगी क्योंकि इनके आइसक्रीम में वो टेस्ट नहीं था जो मिस्टर रोड के कंपनी के आइसक्रीम में था। लिहाजा सब कंपनीज ने मिलकर एक प्लान बनाया कि किसी तरीके से मिस्टर रोड के पापा से वो रेसिपी चोरी किया जाए। इन लोगों ने अपने प्लान में दो बच्चों को शामिल किया। वो बच्चे मिस्टर रोड की कंपनी के सामने ही रहते थे। इस बात का प्रूफ इस गेम के फुल नेम से पता चलता है, आइसक्रीम हॉरर नेबर। अगर हम गौर से देखें तो हॉरर सिर्फ मिस्टर रोड ही है। इस गेम को खेलने वाला बच्चा इस घर में रहता है और यहाँ गेम में नेबर भी वर्ड यूज हुआ है, तो इस बात से प्रूफ होता है कि रोड की कंपनी इस घर के सामने ही होगी। इसी बात का फायदा उठा के कंपनीज वाले इन बच्चों को टॉयज और पैसों का लालच देते हैं ताकि वो रोड की कंपनी में जाके किसी तरीके से वो तीन जूसर मशीन चोरी करके आए जिससे मिस्टर रोड की कंपनी का रेसिपी का पता चले। इन्हीं तीन जूसर मशीन में रेसिपी को मिक्स किया जाता है। अगर ये जूसर मशीन किसी तरीके से दूसरी कंपनीज के हाथ लग जाए तो उनको आराम से ही रेसिपी का पता चल सकता है। कंपनीज का बच्चों को प्लान में शामिल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बच्चे हैं। अगर वो पुलिस के हाथों लग भी जाते हैं तो पुलिस उनको बच्चा समझ के छोड़ देगी और इसी तरह कंपनी का नाम भी नहीं आएगा और उनका काम भी हो जाएगा। तो दोनों बच्चों ने पैसों की लालच में आकर किसी तरीके से कंपनी में जाके एक जूसर मशीन चोरी भी कर लिया। और इस बात का प्रूफ ये है कि जब हम गेम को स्टार्ट करते हैं तो रूम के अंदर एक जूसर मशीन भी होता है और जब वो जूसर मशीन को क्लिक करते हैं तो वहाँ लिखा होता है रोड एटम्स। इसका मतलब है ये जूसर मशीन रोड का है। अगर ये जूसर मशीन रोड का है तो इस घर में क्या कर रहा है, तो इस बात का प्रूफ होता है कि ये चोरी किया गया है। जब रोड के बाप को पता चलता है कि एक मशीन चोरी हो गई है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसकी रेसिपी इन्हीं तीन जूसर मशीन में छुपी होती है। अगर एक मशीन चली गई तो कुछ ना कुछ तो रेसिपी दूसरी कंपनीज को पता चल ही जाएगा। यही टेंशन उसको खाए जाती है और वो मजबूर होकर सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसको लगता था अगर ये रेसिपी दूसरी कंपनीज के हाथ लग गया तो उनकी आइसक्रीम को कोई नहीं खरीदेगा। रोड के बाप के सुसाइड के वक्त एक मास्क भी पहना होता है जो सुसाइड करने के बाद वो मास्क नीचे गिर के टूट जाता है। ये वही कमरा है जिसके अंदर रोड के बाप ने सुसाइड की और ये वही मास्क है। रोड को ये बात जब पता चलती है तो वो अपने बाप की मौत का बदला लेने की कसम खाता है और वो अपने बाप की टूटी हुई मास्क पहन के बदला लेता है लोगों से। सबसे पहले वो गार्ड को मारता है क्योंकि उसको लगता है अगर वो गार्ड उन बच्चों को रोक पाता तो उसका बाप कभी नहीं मरता और ना ही वो सुसाइड करता। इसलिए रोड सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और उसकी डेड बॉडी को कहीं पे छुपा देता है और किसी को शक ना हो इसलिए वो अपने ही ऑफिस पे अपने गार्ड के मिसिंग पोस्टर लगाता है। और अपना टूटा हुआ मास्क जो कि इसके बाप के फांसी के बाद टूट चुका था वो पहन के इन बच्चों के मोहल्ले में चला जाता है। क्योंकि वो बच्चे होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती, तो दोनों बच्चों में से एक मोटू बच्चा
रोड से आइसक्रीम खरीदने आता है और रोड उसे किडनैप कर लेता है। ये सब दूसरा बच्चा देख ही रहा होता है और वो अपने दोस्त को बचाने निकल पड़ता है। बच्चे इतने ढीठ होते हैं कि इतना सब हो जाने के बाद भी जब मोटू बच जाता है तो रोड के कंपनी से दूसरा जूसर मशीन भी चुरा लेता है ताकि इसको और ज्यादा पैसे और टॉयज मिले। तो दोस्तों हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आई होप तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई होगी। मैंने गेम को कंप्लीट देखा और वहाँ से आइडियाज़ कुछ लिए, कुछ चीज़ों से मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं और उसमें मैंने अपने से कुछ ऐड करके ये स्टोरी बनाया ताकि ये स्टोरी कुछ ज़्यादा इंटरटेनिंग लगे। तो आई होप यार तुम्हें मज़ा आया होगा। तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल आई एम खलील को और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो यार आज के लिए इतना ही। Bye.